तो हे कल्टिवेटर्स, क्या हाल चाल सभी का। आई होप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि दाहुआ का बहुत सारा गुड अपडेट आने वाला है, जिसमें से काफी सारे दाहुआ का न्यू सीजन, काफी सारे दाहुआ का एंड सीजन एंड काफी सारे दाहुआ का मूवी आ रहा है। और भाई कुछ कुछ तो दाहुआ ही एकदम न्यूली आ रहा है। तो आई होप इस वीडियो में मैं जितनी सारी अपडेट आप लोगों को बोलूंगा वो सब आप लोग सुन के थोड़ा बहुत तो खुश होंगे ही होंगे। एंड हाँ, मेरे को 2-3 महीने पहले से ऐसा बहुत कुछ कमेंट आ रहा था जिसमें लोग मेरे को पूछ रहे थे कि ब्रो मार्शल यूनिवर्स का न्यू सीजन कब आएगा, तो वो भी इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एंड यार साथ ही साथ BTTH का भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट है जो सुन के आप लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ BTTH प्रीक्वल का भी एक अपडेट है। तो हे गाइस, वेल दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो टॉपिक। तो भाई यहाँ पे मैंने काफी सारे ऐसे न्यू दाहुओं को भी लिया है जिसका पॉपुलरिटी भले ही थोड़ा बहुत कम है। एंड हाँ यार, ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ ताकि मेरे को बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके कि मैं यहाँ पे मल्टीपल दाहुओं के बारे में बताऊंगा, बट ये नहीं कि मैं सारा कुछ दाहुआ देखता हूँ। इनमें से काफी सारे दाहुआ ऐसा भी है जिसको मैं कंटिन्यूअसली नहीं देखता, बट मुझे जो कुछ पता चला है वो आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ही ना। तो बात करें ट्रेलर की, तो द बैड गाय सीजन 7 का एंड साथ ही साथ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 6 का भी ट्रेलर आ गया जो कि आप लोगों ने शायद टीजी पे देख लिया। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता था कि जेड डायनेस्टी का जो सीजन 2 चल रहा था वो 10 अगस्त को खत्म हो चुका था, बट उसका भी सीजन 3 का एक ट्रेलर आ गया है। तो वही बात करें इसके रिलीज डेट की, तो भाई इसका कोई अत्ता पत्ता ही नहीं है अभी के लिए। एनीवे, जैसे ही पता चलेगा बोलना तो पड़ेगा ही। एंड वही जेड डायनेस्टी का एक साथ में डीप स्केयर सॉन्ग भी आया है। वैसे ज्यादातर हम BTTH की सॉन्ग तो वो प्रमोट कर देते हैं OIT पे, बट इसको नहीं कर सके यार, क्या करे, कॉपीराइट प्रॉब्लम, फिर भी टीजी पे तो दे ही दिया। तो भाई अभी काफी सारे दाहुआ का मूवी भी आने वाला है जिसका ट्रेलर भी बहुत कुछ आ चुका है, जिसमें से है स्वेलो स्टार, ब्लड ब्लू कॉन्टिनेंट, द लेजेंड इलेक्ट्रोलस, परफेक्ट वर्ल्ड, इमोर्टल रिवर्स, वार ऑफ द गॉड। तो बेसिकली इन सारे दाहुआ का धीरे धीरे सीजन भी एंड होने वाला है, जिसकी वजह से इन सब के ऊपर एक एक मूवी आ रहा है जो कि आप लोग को वीटीवी पे मिल जाता है। तो बात करें ये सब मूवी कब आने वाला है, तो भाई ये सब मूवी उसी दिन आने वाला है। मतलब सारे मूवी एक दिन में तो नहीं आएगा, बट जिस दिन जो दाहुआ आता है उसी दिन उसका मूवी आने वाला है। एनीवे, अब ये सारे चैट देख सकते हो कि किस दिन कौन सा दाहुआ आता है, वो सब अब इसी पे मिल जाएगा। एंड हाँ, मेरे को पूछ रहे थे ना कि पर्पल रिवर का सीजन 2 कब आएगा, तो उसका ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट आया है कि वो ईयरली 2025 में आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं मार्शल यूनिवर्स की, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्शल यूनिवर्स का सीजन 5 का ट्रेलर आ गया है, बट वही बात करें इसके रिलीज डेट की, तो भाई वो अभी तक से एकदम कंफर्म नहीं है, बट एक एस्टिमेट डेट ये है कि ये नेक्स्ट मंथ या तो अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही आ जाएगा। तो भाई अभी बात करते हैं कुछ BTTH के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि जब 3-year एग्रीमेंट हुआ था तो उस टाइम एक एयर का आया था, एक मूवी की तरह आया था ना, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट एंड लॉन्ग फाइट रहा होगा। तो भाई एज लाइक उसी तरह एक आगे एपिसोड में एक बिग बैटल होने वाला है जहाँ पे यूनर आएगी ना। एंड भाई जेवन वर्सेस इंसेन वाली फाइट में मास्टर को जैसे कि प्रोटेक्टर रोल लेके गया था, जिस टाइम मास्टर को चाहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे, तो भाई उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अभी जवान उसी बैटल में प्रोटेक्टरों को कुछ गंदा बजाएगा, जिसे देखकर आप लोगों के मन को बहुत ही ज्यादा राहत मिलने वाला है। तो भाई वो जो आर्क आएगा वो तो जहां तक मेरे को पता है वो एक स्पेशल एपिसोड की तरह आएगा, मतलब थोड़ा बहुत लॉन्ग आएगा ड्यूरेशन। एंड भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि स्टूडियो वाले के हाथ से ना कोई 1 घंटे के एपिसोड गलती से छूट जाए भाई, और यार मुझे मिल जाए। तो खैर उस वाले जो स्पेशल एपिसोड है उसका कोई ऐसा स्पेशल डेट नहीं है भाई, वो वाला एपिसोड ऐसे ऑनगोइंग जैसे BTTH चल रहा है उसी के दौरान आएगा बीच में। एंड भाई फिर भी यार स्टूडियो वाले का मन वो स्पेशल एपिसोड तो बोल रहा है, क्या पता बाद में हमारे साथ लोचा कर दे और ऐसे ही कट कुट कर दे। एंड भाई आप लोगों ने शायद नोटिस किया या नहीं मेरे को पता नहीं, बट आज का जो एपिसोड था, आई मीन 107 जो एपिसोड था, वहां पे भाई इतना गंदा कट किया है ना जो कि मैंने सोचा नहीं था। चल कोई ना, एंड जैसे कि मैंने बहुत सारे मतलब स्टार्टिंग पे कुछ ट्रेलर वगैरह की बात की थी, तो भाई उन लोगों का भी कोई ऐसा कंफर्म डेट नहीं दिया अभी तक, बट जैसे मेरे को मिलेगा मैं आप लोगों को वीडियो के दौरान तुरंत ही बता दूंगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखना, तभी पता चलेगा। एंड बात करें मास्टर यालो की प्रीक्वल वाले की, तो भाई स्टूडियो इसके ऊपर क्या कर रहा है भाई समझ ही नहीं आ रहा, कभी बोल रहा है इसके ऊपर सीरीज देंगे, कभी बोल रहा है एपिसोड देंगे, और लास्ट में जगह हमें एक पोस्टर पकड़ा के बैठा दिया है। खैर मेरे को एक ट्रेलर मिला जो काफी हद तक स्टूडियो वाले की मतलब सिमिलर लग रहा है उससे, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि उस ट्रेलर में एक भी ऐसा न्यू सीन नहीं है, सारा कुछ पुराना सीन है। एंड भाई वो वाला वीडियो मैं पब्लिश करके कॉपीराइट लेना नहीं चाहता, सो मेरा कुछ प्यारे मेंबर्स है, एंड थैंक यू यार मेंबर ज्वाइन करके सपोर्ट करने के लिए, तो वो लोग वो देख सकते हैं, मैं उन लोगों के लिए अपलोड करूंगा। बाकी बुरा मत मानना यार, उसमें कोई ऐसा न्यू सीन नहीं है, बट फिर भी ट्रेलर तगड़ा है। एंड भाई देखो भाई बहुत सारा कमेंट आ रहा था इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। एंड भाई मैं काफी ज्यादा PC यूज करने की वजह से मेरा सिर दर्द होने लगा है थोड़ा थोड़ा, मतलब 2 दिन हो गए भाई, उसके लिए मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता, फिर भी आप लोगों के लिए बना दिया। हाँ वीडियो उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं रहा भाई, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार सकते हो, कोई बात नहीं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।